Jai 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 Jai
श्लोक में भागवत का जो एकादश स्कंद है उसमें एक नैमी और नव जोगेंद्र संवाद है। तो एक समय श्री वसुदेव महाराज हरे कृष्ण इसलिए कहते एक समय भगवान द्वारका में एक बहुत बड़ी यज्ञ हो रही थी, जिस यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। क्या नाम था? विश्व में शांति कैसे हो। यज्ञ में कौन कौन थे? भगवान कृष्ण स्वयं, बलदेव प्रभु भी वहां पर, देवकी, वसुदेव और कृष्ण के 16,108 पटरानिया सबके सब वहां पर बैठे हुए थे और बड़े जोर धूमधाम से वो यज्ञ हो रहे थे। यज्ञ का एक नियम है, जब तक उसका पूर्णा हो कि नहीं हो, बीच में यज्ञ बंद नहीं करने चाहिए, नहीं तो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। लेकिन हठात उन्होंने देखा आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए, सब लोग बोले भैया ये ज्योति कहाँ से आ रहा है, सबके सब देखने लग गए। लेकिन वो ज्योति जब थोड़ी सी नीचे आई ना, देखा वो ज्योति नहीं कोई एक इंसान है। लेकिन जो एकदम नीचे आ गए बोले वो इंसान नहीं, वो कौन है? श्री नारद जी। जब बीच में श्री नारद जी आए, वसुदेव महाराज कृष्ण खड़े हो गए, बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ बंद कर दो। आधा यज्ञ में बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ को बंद कर दो, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में आ गया। अभी यहाँ प्रश्न होता है, जहां पर भगवान खुद स्वयं कृष्ण है, बलदेव प्रभु, जहां पर कृष्ण की इतने पटरानियां और इतने बड़ी यज्ञ हो रही थी, हाँ, जिसमें चंदन की लकड़ी, गैया की घी और इतने सारे ऋषि मुनि वहां बैठे हुए, लेकिन नारद जी आने पर उन्होंने क्या किया? सारे यज्ञ को ठप कर दिया। यज्ञ करने का जरूरत नहीं, यज्ञ का फल ही स्वयं यहाँ पर आ गए। जिस सिंहासन में कृष्ण स्वयं बैठते हैं, नारद जी को उसी सिंहासन में बैठा दिया और सारे को सारे द्वारकावासी कृष्ण का चरण को नीचे बैठ गए। तब से वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षणभम गुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। वसुदेव महाराज कह रहे हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्म, एक में ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जिसको भगवान कहते हैं देत इस दिनो हेतु सनेही। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम कहते हैं अगर कोई बोले हमने बढ़िया कर्म किया ना पहले पूर्व जन्म में, इसलिए भगवान ने हमें ये मानव शरीर दे दिया। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, कहते तुम्हारी कोई पुण्य से ये मानव शरीर नहीं मिला, हिंदी समझ रहे ना, बोले देत इस बिनो हेतु सनेही, बोले भगवान ने कैसे कृपा करके तुम्हें ये जीवन दे दिया, कैसे कृपा करके दे दिया। क्योंकि देखो एक ग्लास में एक ग्लास वाटर है, लेकिन एक ग्लास वाटर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने इंसान भी नहीं होगी, ये चीज को मानते कि नहीं आप? मानते कि नहीं? इसमें इतने बैक्टीरिया एक ग्लास में, पृथ्वी में इतने इंसान तक भी नहीं होंगे, इतने बैक्टीरिया जीव इसके अंदर में, तो उसी हिसाब से इंसान कितना? बहुत थोड़ी चीज, कुछ नहीं है। इसलिए ये भगवान स्वयं कह रहे देत ईसी बिनो हेतु सनेही, बिना हेतु के, बिना कारण के, स्नेह होकर के भगवान कृपा करके बाईचांस कैसे तुम्हें जीवन दे दिया, जिसको कृष्णा यही बात भागवत में कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहुशां भगवान के, कहते दुर्लभ नहीं, भगवान कहते सुदुर्लभ, ये जीवन सहज में मिलता है नहीं, कैसे बाई चांस कैसे ये मानव शरीर हमें भगवान दे दिया। इसलिए कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम, लेकिन दुर्लभ तो मनुष्य जन्मम है, लेकिन दही नाम क्यों हो गया, लेकिन ये जीवन कमल दल दल जीवन टलमल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखो जैसे वो डगमगाते है ना, ये जीवन ठीक वैसे है। कब खत्म हो जाएगा?
हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे, कोई बोल सकता है? हमने जो श्वास छोड़ी है हम दूसरे बार भी श्वास ले पाएंगे, इस श्वास में गारंटी क्या है? कोई बोल सकता है दूसरा श्वास हम ले पाएंगे? किसी को पास में ये गारंटी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है और उसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ किया बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कहते भगवान की जो भक्तों का दर्शन है ना उससे भी ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ भक्त दर्शन है भगवान है मानव शरीर से भी। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं नारद जी आप कृपा करके हमें दर्शन दिया है हमारे जीवन धन्य हो गया है, हमारे जीवन धन्य हो गया है, यज्ञ करने का हमारे फल साक्षात रूप में मिल गया, यज्ञ का फल हमें साक्षात मिल गया है। यज्ञ का नाम क्या था? विश्व शांति महायज्ञ, विश्व में शांति कैसे मिलेगा? देखो हम जो कुछ करते हैं ना किसके लिए करते हैं? शांति के लिए। भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में क्यों आए? शांति के लिए। लिखाई पढ़ाई इतना क्यों किया? शांति के लिए। शादी क्यों करना चाहते हो? शांति के लिए। बच्चे को जन्म देना चाहते हो? शांति के लिए। दुकान मकान घर क्यों बनाते हो? शांति के लिए। इसलिए हर चीज का मूल उद्देश्य है जीवन में शांति और सुख, है ना? ये शांति सुख है। लेकिन अगर हमारे पास में बड़े से बड़े मकान हो लेकिन शांति नहीं, उसका कोई महत्व है? बच्चे हैं, पत्नी है, बढ़िया नौकरी करते लेकिन शांति नहीं, उसका कोई महत्व है? लेकिन अगर सुख है दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना वो सबसे कीमती चीज है। इसलिए जगत में सबसे अनमोल वस्तु शांति, सबसे अनमोल वस्तु शांति, जगत में सबसे कीमती चीज शांति है, हैं? इसलिए सब कुछ हम लोग शांति के लिए करते हैं लेकिन वो शांति मिलेगा कैसे? शांति कैसे मिलेगा? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं, भले ही जो कुछ कर ले जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं जीव को कभी शांति परम शांति नहीं मिल सकती। लेकिन अभी प्रश्न है जीव भगवान को तक जाएगा कैसे? तो जीव भगवान तक जाएगा कैसे? बोले जीव तभी प्रभु तक जा सकता है जब तक जीव किसी संतों का दर्शन नहीं मिले, हैं? इसलिए जब इसलिए कल हम कथा सुन रहे थे ना जब हनुमान जी से विभीषण की साक्षात्कार हुई, विभीषण क्या कहता है? आज मैं भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता। इसलिए जो रघुवीर मय अनुग्रह की नहीं तो मई दरस ऐठे दिन लगता है, आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई विशेष करुणा हुई, तभी हनुमान जी का हमें दर्शन भगवान की प्यारे भक्त का दर्शन हो गया। मतलब है भगवान अभी पाने का भगवत प्राप्ति का अभी दूर नहीं है, भगवान अभी हमें जल्दी से जल्दी ठाकुर जी मिलने वाले, और भगवान मिल गए ठाकुर जल्द जल्द उनको मिल गए ठाकुर जी, है? इसलिए यहाँ पर जीवन में जब कोई शुद्ध साधु का दर्शन मिल जाता है ये समझ लो भगवान अभी पाने में अभी और देर है नहीं, भगवान हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए जब से नारद जी आए यज्ञ बंद करवा दिया तो जरूरत नहीं, चलो हम सब के सब श्री नारद जी के चरणों में बैठते हैं और बैठ कर कुछ ज्ञान की बात सुनते हैं, प्रभु की कुछ कथा हम सुनते हैं। इसलिए वहां पर बहुत प्रश्न है, उन्होंने 9 प्रश्न किया था, 9 प्रश्न में उसमें एक प्रश्न था कलि युग में भगवान कौन है और वो भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है, उसमें एक प्रश्न था। क्योंकि जब तक जीव प्रभु प्राप्ति नहीं होगा शांति नहीं मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन यही है कलि युग में भगवान है कौन और उनको पाने का उपाय क्या है। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब एक श्लोक बोले, क्या श्लोक बोले? जोर से बोलो। इसलिए उसमें एक श्लोक है बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधस। उस श्लोक में है, इसलिए श्लोक में कह रहे हैं कलयुग का भगवान क्या है, बोले कृष्ण वर्णम, कहते कृष्ण ये जो 2 अक्षर जिसको जीवा में हर समय कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता होगा, कृष्ण 2 वर्ण
एक बार मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 जो दो अक्षर है हर समय जिसके जीवा में उच्चारण होगा, भले तिसाम तिसाम मतलब उसका शरीर का रंग कैसे होगा, भले आ कृष्णा मतलब कृष्णा नहीं आ मतलब नहीं कृष्णा मतलब काले, जो काले नहीं जो गोरे। अब देखना भगवान की जितने सारे अवतार, अब बताओ कन्या का रंग कैसे, भगवान राम कैसे, अभी दुर्गा दल श्याम है, इसलिए मत्स्य कुर्मा आप जितने भगवान देखोगे ना सब काले हैं, कोई गोरे नहीं, सब काले हैं, लेकिन एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु है जो ठोर बने, वो भी गोरे है। भले ये गोरे क्यों हुए, कारण है कलयुग में उन्होंने राधा रानी जी के भाव और अंग कांति ये दो चीज को उन्होंने लिया, राधा रानी से उधार लिया, ले करके राधा रानी कृष्ण प्रेम में कैसे दीवानी बनती, कैसे राधा रानी कृष्ण प्रेम में हैं, कैसे आनंद की अनुभूति करते हैं, उसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं उनकी भाव अंकांत लिए, इसलिए एक नाम है गौरव हरि। गौरव हरि मतलब क्या है, गौरव मतलब राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण, कहते अंत कृष्ण बहिरी गौरव, जो अंदर में कृष्ण है लेकिन बाहर में श्री गौरव हरि चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनका नाम गौरांग गौरांग जिसका है। इसलिए कहते अब कृष्णा इनका रंग कैसे होगा, वो गोरे वो काले नहीं होंगे, वो गोरे होंगे, कहते क्या वो अकेले आएगी, बोले नहीं कृष्णा अकेले थोड़ी आए, राधा रानी आए, उनका सखियां आए, ग्वाल वाल आए, धाम भी साथ में धाम भी आए, इसलिए कहते वो क्या अकेले आएंगे, उनके साथ में दाऊ भैया भी आए, बोले नहीं अकेले नहीं आते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावदन। जब इसी जगत में भगवान आते हैं, जैसे प्रभु राम आए उनका अयोध्या धाम है कि नहीं, कृष्ण आए उनका कौन सा धाम है, वृंदावन धाम है, अभी भी उनके सारे कहाँ रास रचाए, कहाँ गिरधार धारण किया, कहाँ उन्होंने गैया चलाए, कहाँ बंसरी बजाए, अभी भी प्रभु जी की सारे चरण चिन्ह बढ़ा पाए, अभी भी ठाकुर जी का साढ़े इतने बड़े बड़े चरण चिन्ह भगवान 5,500 से अभी भी सारे चरण चिन्ह है, हैं, इसलिए राम का अब अयोध्या गए हैं, बहुत बन गए अयोध्या, वहां पर कामदगिरी कामदगिरी में गए हो, जहाँ पर भरत जी के साथ में प्रभु राम की मिलन हुई है, हैं, जहाँ पर मिलन हुई पूरा के पूरा, अभी भी वहाँ किचड़ किचड़ हो गया प्रेम में, अभी भी भगवान राम के इतने बड़े बड़े चरण अभी भी वहां पर पड़े हुए, वहां पर बहुत सारे रामलीला के बहुत सारे स्थानों में देखोगे इतने बड़े बड़े प्रभु का चरण, और जहाँ पर राम लक्ष्मण शयन करते थे, राम सीता शयन करते थे, हम लोग गए नहीं ना, इतने बड़े इतनी घर जैसे इतना बड़ा एक ये होगा पत्थर होगा, अभी भी प्रभु राम और सीता जी की पूरा जो शयन करते थे पिघल करके पूरा के पूरा चिन्ह, और जहाँ लक्ष्मण दूर से बैठी करके रखवा, लक्ष्मण तक कभी विश्राम नहीं किया 14 साल तक कभी विश्राम नहीं किया है, इसलिए विश्राम नहीं किया, इसलिए मेघनाथ ने जब शक्तिशाली प्रयोग किया ना, मेघनाथ कभी लक्ष्मण को शक्तिशाली प्रयोग कर सकता है, जो साक्षात शेष है साक्षात भगवान को शक्तिशाली कर सकते हैं, नहीं, बोले ऐसे क्यों हुआ है, भगवान राम ने देखा, देखो लक्ष्मण 14 साल तक सोया है, सारे कमल फूल बंद होता है, लेकिन लक्ष्मण के जो दो कमल ना नेत्र कमल कभी बंद नहीं हुई 14 साल तक, माया भी स्वयं आए है, बोले थोड़ी सी विश्राम कर लो, कभी उन्होंने विश्राम नहीं किया, देखो भैया 14 साल तक सोए नहीं, थोड़ी सी तो रेस्ट तो मिल जाए, देखो लक्ष्मण को शक्तिशाली क्या मार सकता है, साक्षात लक्ष्मण कौन है, साक्षात आनंद देव धरी धरे, उनको शक्तिशाली थोड़ी कुछ कर सकता है, हैं, इसलिए उनको विश्राम दिलवाना चाहते थे, इसलिए उनको ये शक्तिशाली हुई है, इसलिए जहां पर लक्ष्मण धनुष रख करके देखते थे रखवाल करते थे, हम लोग गए देखो, आप एक आश्चर्य चीज वहां देखोगे,
लक्ष्मण का कितना बड़ा धनुष था, अभी पूरा वहां चिन्ह रखा पड़ा पड़ा हुआ है, वहां जैसे पत्थर जैसे, लेकिन पूरा इतना इतना भर जैसे, इतने बड़े धनुष उनका, इतना बड़ा धनुष था, अभी भी वो सारे प्रमाण प्रमाणित करते हैं। इसलिए इसी जगत में जब भगवान आते हैं वो अकेले नहीं आते, वो पूरा धाम और परिक्रम को लेकर इसी जगत में भगवान आते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वो अकेले नहीं आए, बल्कि सांग उनको श्री अंग और श्री दाऊ भैया, जैसे कृष्ण का दाऊ भैया, इसलिए महाप्रभु का कौन आए, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य, और उनका अस्त्र जैसे द्वापर युग में भगवान के अस्त्र चक्र था कृष्ण का, राम का धनुष था, कलि युग में उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किए, उनका अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बल यही कलि युग में अस्त्र, अस्त्र कैसे, ये भगवान का नाम कोई अस्त्र हुआ है, जैसे भगवान राक्षस को मारे, कृष्ण भी मारे, धनुष और चक्र अस्त्र कैसे है, हाँ कहते कलि युग में यही अस्त्र है, बल अस्त्र से क्या करते हैं, बोले मारते हैं। इसलिए महाप्रभु बड़े दयाल, राधा महाप्रभु बड़े दयाल, क्यों, वो राधा जी की भाव अंगता से लेकर गया, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु राधा रानी। आप देखे राम भी मारे कृष्ण भी मारे, लेकिन सीता किसको मारी है, मैया राधा रानी किसको मारे थे, नहीं मारे, क्यों, राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसलिए करुणा कुरुमयी करुणा भरी थे। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई भी कृष्ण का नाम कोई वहां नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते, क्यों, राधा रानी बड़ी कृपालु राधा रानी बड़ी दयालु श्री राधा रानी, इसलिए सबके सब वहां पर श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, इसलिए वो राधा जी की भाव अंगता से लेकर के आए, इसलिए उन्होंने किसको मारे, तब उन्होंने क्या किया, सबका हृदय को उन्होंने शोधन करके, हृदय में जो काम क्रोध लोभ बैठे हुए हैं इसको उन्होंने एकदम पवित्र कर दिया, इनको पूरा हरिनाम कीर्तन के द्वारा क्या होगा, हृदय में जो काम क्रोध ये सबके सब खत्म हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोले चेत दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम जप करने पर हृदय रूपी जो दर्पण जो शीशा है ना अपने आप साफ हो जाता है, अपने आप साफ हो जाता है। इसलिए बोले कलि युग में उनका अस्त्र क्या है, पर भगवान का नाम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय जयति ही सुमेधस, इसका मतलब है कलि युग में जो सुमेधस, सुमेधस मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, वो योग ज्ञान कर्म इधर उधर नहीं भागेंगे हैं, वो इधर उधर नहीं भागेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे हैं, कोई बोलेगा नहीं भगवान का नाम भी थोड़ा लो और थोड़ा उसको भी थोड़ा कर लो, ज्ञान का थोड़ा साधन, योग का थोड़ा साधन उसका, बोले नहीं कलि युग में कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलि युग के बल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि कलि युग के बल नाम आधारा। इसलिए बोले कलि युग में है, इसलिए कलि युग केवल, देखो इसमें जो शब्द प्रयोग करते हैं केवल, केवल मतलब और कोई चीज और इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं, केवल हरि नाम से कीर्तन करो। इसलिए हैं, इसलिए हमारे भविष्य पुराण में हैं कलि संतरण उपनिषद में बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का, तीन तीन बार लिया। बोले तीन बार क्यों लिया, बोले किसी बात को अगर तीन बार बोल देना पक्का हो जाता है, और तीन बार क्यों, बोले हम कलि युग का जीव है ना, एक बार बोलने पर हम नहीं सुनने वाले एक बार बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे, नहीं, इसलिए बोले भैया इसलिए यहाँ तीन तीन बार, और दूसरे लाइन में नहीं नहीं नहीं, दूसरे लाइन में भी नहीं नहीं नहीं, तीन बार नहीं और नहीं और कहीं नहीं जाना,
वास भगवान के नाम जप करने से क्या होगा, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर कहते सुमेधस, मतलब कलयुग में बहुत ज्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा, बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में संकीर्तन रूपी यज्ञों के द्वारा वो भगवान को उपासना करेंगे। तब यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया आप बताया यज्ञ कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, बोले हाँ, बोले यज्ञ के लिए तो कुंड होता है, बच्चे को बहुत वही यज्ञ, नहीं तो कोई कथा नहीं सुन रहे। इसलिए कहते यज्ञ के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, यज्ञ का कुंड होता है, हवन सामग्री होता है, घी होता है, उसमें अग्नि होता है, इतने सारी चीज हो जाकर कहीं यज्ञ होता है। बोले भगवान का नाम को आपने यज्ञ कैसे बोल दिया है, हाँ देखो कैसे यज्ञ बोले, बोले जो कान है ना देखो कुंड है, जैसे हवन कुंड होता है ना, ये कान देखो जो कुंड जैसे, बोले इसमें एक चम्मच होता है घी डालने का, बोले चम्मच किया, बोले ये जीवा है, बोले घी कहाँ है, बोले जिस भाव को साथ में हरिनाम कहते हो घी, बोले अग्नि कहाँ है, बोले जब भगवान के नाम उच्चारण करते हैं जो हृदय में जो प्रेम प्रकट होता है यही अग्नि। मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति कान रूपी कुंड में जीवा रूपी चम्मच को द्वारा भाव रूपी घी को और कृष्ण नाम रूपी मंत्र, जैसे कहते हैं इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, वो कहा है, बोले भगवान का नाम है, जब कानों में प्रदान करते हैं हृदय में जो भाव प्रकट होता है यही अग्नि है, यही अग्नि है। इसलिए बोले नाम को बाद खींचे आएंगे आखिरी एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम लेने से। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारी झट आ गए घनश्याम, हैं, इसलिए हनुमान जी लंका जाने के लिए भगवान राम को पुल की जरूरत पड़ा, हनुमान की कोई पुल की जरूरत पड़ा, बा जय श्री राम, जय श्री राम बोले तो पूरा है पूरा उन्होंने समुद्र को लांग गए, हैं। इसलिए कहते कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन ही यज्ञ है। यज्ञ से क्या होता है, जैसे यज्ञ में आहुति दो ना घी डालो, पूरा चतुर्पार्श्व पवित्र हो जाता है घी की खुशबू से, घी देने पर एक इसका एक अर्थ है देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं और उसको द्वारा पूरा परिवेश पवित्र हो जाता है, घी की आहुति डालने पर पवित्र हो जाती है। लेकिन जब भगवान के नाम जब करते हैं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जब भगवान के जब नाम कीर्तन करते हैं उसका आवाज उसका शब्द भगवान की ध्वनि चारों तरफ में बिखर जाती है, हाँ चारों तरफ में प्रभु का नाम की ध्वनि, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, शब्द तो नष्ट नहीं होता है। मैंने पहले बताया था ना जैसे पानी में एक पत्थर फेंको उसमें क्या होगा, लहरी आती है, लहरी आती है, उसी तरह जब हम नाम जब करते हैं ये नाम की भी लहरी चारों तरफ में फैलती रहती है, चारों तरफ फैलती रहती है, उसको द्वारा क्या होगा पूरा परिवेश पवित्र हो जाता है, पूरा परिवेश पवित्र होता है। जैसे देखो अभी हम यहाँ बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हो, ब्रिजबेन में बैठे हो, सचमुच से आप ब्रिजबेन है, ब्रिजबेन में ब्रजबन वृंदावन है ना, इसलिए नारद जी भगवान से पूछे है ना, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान ने क्या बताया, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, नारद भगवान खुद कहते हैं, बोले नारद जी दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में, मैं वहां भी नहीं, बोले प्रभु फिर कहाँ रहते हो, बोले एक जगह पर मेरे को पाओगे मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठे करके मेरी कथा सुनते हैं मेरी कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ। इसलिए अभी कहाँ पर बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, और ब्रिजबेन तो है ही, ब्रिजबेन तो है ही, वृंदावन तो है ही, इसलिए हम भगवान की चरण में वृंदावन धाम में ही हम बैठे हुए हैं। इसलिए श्री इसलिए एकादश स्कंध में बताए, हाँ इसलिए यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान किसी से ही ठाकुर सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रभु की नाम से ही जितने प्रसन्न होते हैं और किसी उपाय के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं
होते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर कर दिए जितने जोर से नाम लोगे ना एक बार तो नाम लेंगे समझो। हाँ ये 50 भक्त बैठे हैं लेकिन एक बार तो करोगे नाम लेकिन 50 नाम करने का फल मिलेगा। क्यों? सभी का आवाज सभी के कानों में जाता है, हैं? इसलिए एक साथ 50 माला करने का फल मिल जाएगा और दुनिया में कल्याण होगा, संसार का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हाँ देखो अभी हम अपना टॉपिक पर आएंगे। हाँ यहाँ पर कुछ नए लोग हैं जो आए नहीं और कुछ लोग आए। हम लोग एक संवाद सुन रहे थे जिसका नाम था श्री राय रामानंद संवाद, जिसमें भगवान स्वयं प्रश्न करते हैं और भक्त स्वयं आंसर देता है। लेकिन गीता क्या है, यहाँ पर भक्त प्रश्न कर रहा है और भगवान उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। लेकिन जो राय रामानंद संवाद में यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर कौन दे रहे हैं, उसका उत्तर भक्त दे रहे हैं। वही अर्जुन ही यहाँ पर राय रामानंद है और वो विशाखा सखी भी है, हैं? विशाखा सखी भी है, ये इसकी उत्तर दे रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको पहले जो कथा सुने थे बताओ कहाँ तक सुने थे, जोर से बोलो। So we've been listening to a discussion between Rai Raman Samvad, Rai Raman, Rai Raman and Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu asks that, please give evidence what is the topmost goal of this of our life, and using scriptures as evidence, please give your answer. So then he starts off saying it, one ashram dharma, saying that because the Lord has created one ashram dharma, saying that by following one ashram dharma for jivas, they can obtain, having Krishna as in the center of their life, they can obtain, they can be happy and become, this is the purpose of our life. Then because one ashram dharma is related to the body, Chaitanya Mahaprabhu said, no, this is external. So then later he said, doing a form of karma, whatever you do, surrender to, give the results to the Lord. Then Mahaprabhu said, no, this is also external because it's still related to the body, plus in this process you consider yourself as a donor, doer. So and then because you're doing it yourself and then you're offering to the Lord, then because in bhakti first you need to surrender before you do an activity. So then Mahaprabhu said this is external. Then he said later, the next one he said was taking the form of gyan. Gyan, there's three types of, Maharaj used to explain, there's three types of knowledge. One knowledge is knowing about the Lord. Second knowledge is jiva. Knowing about the about yourself, the jiva. And so these two are favorable in terms of doing bhakti. But the third one is the oneness, going merging into the Lord and the jiva merging into the Lord. So saying that this is against bhakti, so, because most people when they think of gyan, they think of doing this Brahma gyan. So then Mahaprabhu said, no, this is external. So then he starts saying, speaking about Gyan Sunya. Without doing bhajan, doing bhakti, without doing Gyan Sunya. So in this verse, when Rai Raman quoted the scripture verse, he mentioned two things. One was then doing process of bhakti, and second one was doing association of devotees. Then Mahaprabhu accepted this. Yeah, this is right. At least this is starting of bhakti, at least. So then later he went to, the next one spoke about, they started speaking about what are different types of bhakti, different types of rasas, sakya, dasya ras, sakya ras, vasalya ras and madhur ras. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गतगल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री राय रामानंद ने बताए ज्ञान शून्य, इसलिए ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवति सन्मुखरीतम भगवती वार्ता। इस श्लोक में बताए भगवान का एक नाम अजित है, अजित मतलब होता है जिनको पाना बहुत कठिन है, जिसको जितना बड़ी कठिन है, क्योंकि कल सुन रहे थे यद्यपि समाधि सुविधि कश्यति न तब नखा गमरिच। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जिनको आराधना करते करते दर्शन की बात छोड़ दो, जिनकी चरण की नख की छटा को भी दर्शन नहीं कर पाते, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति है, हैं? इसलिए भगवत दर्शन बड़ा कठिन है। अभी प्रश्न है क्या वो मिलेंगे नहीं हमें, बोले हाँ मिलेंगे, बोले कैसे मिलेंगे, तब उसको उपाय इस श्लोक में, इसी उपाय इस श्लोक में बताए, बोले सारे ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके एक यहाँ पर एक तत्व ज्ञान है और एक है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मतलब जो जीव चाहता है अंतिम समय में अपना ज्योति को वो ब्रह्म ज्योति में लीन करते हैं, पर उससे भगवान नहीं मिलते हैं, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्तम ही गतिर दुखा। हे अर्जुन, जो मेरे को निराकार निर्विशेष मान करके भजन करते हैं उनका जो गति दुखमय गति है। और जब कृष्णा देवकी गर्भ में आए एक साथ में 33 करोड़ देवता कह रहे हैं, बोले प्रभु जो व्यक्ति आपको निराकार निर्विशेष मान करके बड़े कठोर तपस्या करते हैं और करते 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 बड़ी ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां से उनको पतन हो जाता है, क्यों? चूंकि वो आपकी भक्ति को आपके चरणों को उन्होंने अनादर किया है, अनादर करते हुए ज्ञान मार्ग में गया है, बड़े ऊंचे पद को पा करके भी वहां से उसको पतन हो जाता है, लेकिन तेरे भक्ति को जो आश्रय ग्रहण करता है, तेरे भक्ति बड़ा सरल है, भक्ति बड़ा सरल उपाय भक्ति है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्ते विभु क्लिशंत जय केवल बोधलब्ध है। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, ज्ञान कर्म मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कल हम सुन रहे थे ना कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अगर भक्ति पूर्वक चार चीजों में कोई एक चीज भी हमें दे दे, पत्र पुष्प फलम त्वयम्, अगर भक्ति पूर्वक चार चीज की बात छोड़ दो, एक चीज पत्रम, अगर थोड़ी सी पत्ता भी भगवान को दे दिया, किसने? विदुर ने, विदुरानी ने भगवान को साफ भाग दिया, भगवान खुश हो गए। फल, जब सबरी घर में प्रभु राम पहुंचे, सबरी के पास में, सबरी क्या की, पहले खा रही थी फल को, खट्टे फल को फेंक रही थी और मीठे फल को प्रभु को खा खा करके दे रही थी, कर भगवान खुश हो गए। बोले सबरी, बोले बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम शरण। ये भगवान प्रेम में सबसे जल्दी खुश होते हैं। बोले सबरी, आज तेरे झूठे बैर में जो आनंद आया ना, वैकुंठ में मेरी, हाँ मेरी महिषिया कितने छापान भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं, वो आनंद नहीं आता तुम्हारे झूठे बैर में जो आनंद आया। इतने भगवान खुश हो जाते हैं। और महाप्रभु की लीला में एक भक्त था जिनका नाम था श्रीधर, वो श्रीधर वो क्या बेचता था, केले, केले का फूल और घिया ये बेचता था मार्केट में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर और भी बहुत सारे थे लोग, लेकिन वो किसी को पास में नहीं जाते थे, इसको ही पास में जाते थे, और वो देना नहीं चाहता था, लेकिन महाप्रभु लड़ झगड़ करके उससे लेते थे, मैं लूंगा तो तेरे से लूंगा, बिना पैसा में सबसे बढ़िया लूंगा। वो कहता था प्रभु हम गरीबी आदमी हूँ, इसमें बेच करके जो थोड़ी पैसा होता है आधा पैसा तो गंगा की सेवा में लगाता हूँ, आधा पैसा बिजनेस और परिवार के भरण पोषण में। महाप्रभु कहते थे गंगा तो मेरी दासी, मेरे चरण से निकले। बोले कैसे, क्यों कह रहे? उनको पता नहीं था ना वही भगवान है, बाद में जो फिर उनको पता चला यही श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु, फिर तो रोने लग गए। इसलिए वो नहीं देने पर भी रोज उसको ही पास में जाते थे, लड़ झगड़ करते थे, क्यों? उससे ग्रहण करते थे, क्यों? भगवान कहते हैं भक्तर द्रव्य प्रभु काली काली खाए, अभक्तर द्रव्य प्रभु उलट नहीं चाहे, मतलब भक्तों का वस्तु भक्त नहीं देने पर भी भगवान उससे लड़ झगड़ करके लेते हैं, लेकिन जो अभक्त जैसे दुर्योधन भगवान के लिए छापान भोग छत्र से व्यंजन बनाया था, भगवान देखे ही नहीं उस तरफ में, और विदुर जी के घर में जाकर केले का छिलका ठाकुर जी खाते हैं, इसलिए भक्त का ही वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं। और गुरुदेव उदाहरण
चौथा चीज उदाहरण देते हैं, जिस समय कृष्ण गोचारण करते करते भातरोल में पहुंचे, सखा ने कहा कन्हैया आज बड़े तेज पेट में भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। बोले चिंता क्यों करते हो, जाओ पास में यज्ञ हो रही है, ये ब्राह्मण को पास में जाकर के मांगो, कृष्ण बलराम आए हैं उनको भूखे हैं। लेकिन जो मांगे वो उनको तरफ में देखे भी नहीं, वापस आ गए। बोले कृष्ण तुमने बताया तेरे नाम सुनकर देंगे, तेरे नाम सुनकर तो अनसुनी कर दिया, अनसुनी कर दिया, दिए ही नहीं। बोले एक काम कर, उनका जो पत्नियां है ना मेरे परम भक्त है। बोले जो इतने चार चार वेद को पढ़े, तीन तीन को चतुर्वेदी त्रिवेदी दोविदी उनको बताया जाता है ब्राह्मण को, वो सारे वेद पुराण को जो पढ़े और पढ़ करके तेरे को पहचान नहीं पाए, जो स्त्रियां अपवित्र रहती हैं जिनकी वेद में अधिकार नहीं है, अब तू कह रहे उनको पास में जाओ। कृष्ण ने कहा देखो जो भक्ति है ना वो किसी को ऊपर निर्भर नहीं करता है, भक्ति कहीं भी किसी रूप में भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, तुम उनको पास में जाओ, वो मेरे परम भक्त है। मैं ठीक है एक बार जा करके देखते हैं। जब वहां पर गए ना मथुरा में दीजो पत्नियों को घर में, सचमुच से देखा दूर से वो लोग अपना हाथों से सेवा कर रहे थे और मुंह में क्या कर रहे थे, बोले जय जसो मति नंदन ब्रज वरनार गोकुल जन कान गोपी परायण धरण माता सखा का देखा कन्या सही बोल रहा था, देखो दूर से हमारी कन्या का नाम कीर्तन कर रहे हैं, सचमुच से ये भगत है। जब वहां पर गए बोले कृष्ण पास में आए, बोले कृष्ण बलराम भूखे कुछ भोजन वगैरह, बोले कृष्ण बलराम पास में आए, बोले हाँ, बोले अपना हाथों से खिला सकते, बोले इसलिए तो हमें भेजा है, जितने यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ और जितने बना हुआ था ना सबको उठा उठा कर लेकर के भागने लगे हैं, भागने लगे जैसे नदियां समुद्र का तरफ में जाती हैं। किसी ने जाकर के ब्राह्मण को बोल दिए, बोले तुम लोग ये यज्ञ के लिए जितने मालपुआ लड्डू बनाया था ना सब तुम्हारी पत्नियां कृष्ण बलराम को खिला के लिए जा रहे, सब चोटी खड़े करके भागे हुआ से सब चोटी खड़े करके, बोले कहां जा रहे हो, बोले कृष्ण बलराम को भोजन कराने के लिए, बोले खबरदार घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे सब के सब, घर से बाहर नहीं जाना नहीं तो घर में घुसने नहीं देंगे, बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे हम तो कृष्ण भगवान को पास में रहेंगे वही पर रहा करेंगे, बोले खबरदार वापस नहीं आना, बोले वापस नहीं आएंगे। सचमुच से उन लोगों ने जब लाए भगवान को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद भगवान बोले जाओ घर में वापस चले जाओ, बोले हम लड़ाई झगड़ा करके आए हम बोल करेगा आए तुम्हारे घर में नहीं आएंगे हाँ, अभी पति लोग हमें घर में घुसने नहीं देंगे, बोले कोई चिंता मत करो अभी तुम लोग जाओगे ना तुम्हारे चरण की पूजा करेंगे पति लोग, बोले चरण की पूजा करेंगे, बोले हाँ एक बार जा करके देखो। सचमुच से जब पत्नियां सब लड्डू कचौड़ी मालपुआ लेकर कृष्ण के लिए आए ना, बाद में ब्राह्मण लोग अपना जीवन को धिकार करते रहे धिकार दे रहे थे, कहां जितने वेद पुराण उपनिषद का सार कौन है, भगवान है, इसलिए यज्ञ स्वरूप कौन है, भगवान कृष्ण है यज्ञ स्वरूप है, इसलिए साक्षात भगवान आकर के मांगे और हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ स्वरूप तो भगवान है, स्वयं मांगे हम भगवान के लिए नहीं दिए, जिस पत्नियों का जन्म संस्कार नहीं अपवित्र रहती है वेद में अधिकार नहीं, देखो ये लोग जाकर कृष्ण दर्शन भोजन करके आए, इसलिए अपना जीवन को धिकार दे रहे थे, वेद पुराण पढ़ना हमारा जीवन बेकार। सचमुच से वो जो वापस आए ना उनकी चरण की पूजा की, बोले तुम लोग धन्य हो गई हो, भगवान को दर्शन किया और तुम्हें दर्शन करके हम भी धन्य हो रहे हाँ, इसका मतलब है जहां पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, उसको पर सब कृपा कहते हैं जिसको पर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव सब चीज को उदाहरण देते हैं, यहाँ पर बताए जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना तो महाप्रभु अभी तक कहे तो बाहर बाहर बाहर, लेकिन ये श्लोक सुनकर खुश हो गए, यहीं से उन्होंने हाय हाय मतलब होता है अभी तुम लाइन में आ गए, बल्कि क्यों लाइन में आ गए, उसमें दो तीन चीज है, बता सकते हो दो तीन चीज क्या है, पहला नंबर है यहाँ पर बताए पहले तक ज्ञान शून्य ज्ञान को उन्होंने बात दे दिया, ये ब्रह्म ज्ञान को,
दूसरी चीज ये, ये साधु संघ की महिमा यहाँ पर बताए, क्योंकि जब तक तो कोई साधु संघ नहीं करता है ना, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगीन बनी जाए थे। भक्ति कहाँ मिलती है, मतलब भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलती है, और भक्ति को द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और किसी को द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसमें साधु संघ की महिमा और उसमें भक्ति की महिमा यहाँ पर बताई गई, इसलिए महाप्रभु प्रसन्न होकर के बोले अभी तुम लाइन में आ गए हो, अभी सही तुम लाइन में आ गए हो। तो गुरुदेव ने यहाँ पर दो तीन श्लोकों को यहाँ पर गुरुदेव कोटेशन करते हैं, बोले तस्मिन् महान् मुखरितम् मधुविश्चरितम्। यहाँ पर उद्धृत कहते हैं जीव का भगवत भक्ति मिलेगी कैसे, बोले तस्मिन् महान् मुखरितम् मधुविश्चरितम्, बोले भक्तों को मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है, अगर हम उसी नदी में हर समय गोता लगाते रहेंगे, कथा रूपी गंगा में अगर हम गोता लगाते रहेंगे तो क्या होगा, पहले तार न पिबंती निपगाड़ करने ही स्थान न स्पृशंती। अगर काम को कैसे बनाया, देखो धुना जैसे, जैसे हम कोई जूस पीते हैं ना, कैसे पीते धुने में लेकर पीते ना, ये काम को देखो कैसे बनाया, ये धुना जैसे बनाया। कहते जो ये कान रूपी दौड़ा में कृष्ण कथा रूपी रस को जो भर भर करके जो पीते हैं तो उसको क्या होता है, बोले तान न स्पृशंती, उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। बोले क्या नहीं स्पर्श कर सकता है, बोले उसको स्पर्श शोक मोह भय अपा, बोले तीन चीज उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उसको शोक, उसको शोक उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, मोह उसको मोह स्पर्श नहीं कर सकता है, और उसको भय भय भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए जिसको भगवान कबीर देव अपना माँ को कहते हैं, क्या कहते हैं, अप वर्ग वर्तमनी, अगर माँ तुम मेरे भक्तों को संगत में मेरी कथा अगर सुनोगे ना, श्रद्धा रति भक्ति बैठते रहेगी, और एक दिन क्या होगा, अप वर्ग वर्तमनी, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, जो पांच वस्तु खत्म हो जाएगा, प मतलब परिश्रम, फ कभी कभी हम संसार में इतने परिश्रम करते हैं मुंह से झाग निकल जाते हैं, फेड़ निकल जाते हैं, फ मतलब भ, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय, और म मतलब मृत्यु। अगर माँ मेरी भक्तों का तुम संग करोगे, कथा सुनोगे, ये संसार चक्र से सारे दुख कष्ट से तुम निकलते हुए मेरे चरण को प्राप्त कर सकते हो, उपाय क्या है, केवल कथा, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए भागवत में कथा को अलग अलग नाम दिया है, भागवत कथा को एक जगह पर कथा दिया आसव, आसव मतलब था शराब, कथा को उदाहरण दिया, कथा कैसे शराब है, हैं शराब को साथ में, जगत का जो शराब है रात को पियो सवेरे नशा उतराती, लेकिन भगवत कथा भी जो शराब है वो नशा में उतरती है, नशा बैठती है, और एक उदाहरण दिया है, अगर पिता अगर शराब पीता है ना, आप देखना कभी भी बच्चे को बोलेगा नहीं तू शराब पी, कभी बोलेगा कोई पिता कभी बच्चे को बोलना है, भले ही अपना पी लिया बर्बाद हो गया, लेकिन हर समय बेटे को बेटा तू कभी बर्बाद नहीं करना, कभी शराब नहीं पीना, हर समय मना करता है, लेकिन भागवत कथा भी अगर नशा शराब कोई पी लिया ना, बेटे को जरूर बोलेगा बेटा तू भी एक बार पी करके देख, तू भी एक बार पी करके देख उसमें कितना आनंद है, अपना पत्नी को भी बोलेगा पत्नी पी करके देख इसमें कितना रस है, अगर हाँ अगर पत्नी पी लिया ना, अपना पति को भी बोलेगा आप भी एक बार जाओ पी करके आओ कितना रस देखो, हैं, इसलिए जो एक बार पी लेगा ना वो हर समय दूसरों को बोलेगा तू भी वो पी करके देख इसमें कितने आनंद, अगर कोई पिएगा नहीं ना फिर पकड़ से पैसा निकाल कर पिलाएगा, इसी जगत में जैसे होता है ना एक बार उसको चस्का लगाने के लिए, लेकिन उसी तरह कहते भक्त लोग भी क्या करते हैं, हाँ देखो हम लोगों को वृंदावन से बुलाए, इंडिया से बुलाए, लेकिन खुद तो पिए और दूसरों को भी बोलते हैं आप भैया अगर पी करके देखो उसमें कितने आनंद, उस पी करके देखो तो सही इसमें कितने रस है। इसलिए भागवत में श्री सुत गोस्वामी और एक उदाहरण दिया, बोले काल व्यालम मुस्क ग्रासम त्रास निन्नस है कवि, उन्होंने और एक उदाहरण दिया, ये जो काल नहीं है व्याल, व्याल मतलब सर्प है, ये काल जो व्याल है ये हम जीव को ये खा रहा है, जीव को ग्रास कर रहा है, हाँ इसलिए काल को व्याल को साथ में उदाहरण दिया,
लेकिन और एक उदाहरण दिया अपने नेवला को देखे हो, नेवला बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, मनगूज को बोलते हो, आप देखना सांप और नेवला में कभी आप देखना लड़ाई, दोनों अगर मिल गए ना देखना कितना लड़ाई होता है। लेकिन अगर ये सांप अगर नेवला को कभी काट दिया ना, ये नेवला को एक दवा पता है, अब देखना छठ वो जा करके वो फिर दवा खा कर जाएगा। अगर सांप उसको काट दिया ना, फिर वो सांप को बोले एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी अभी मैं आता हूँ, फिर भी जाओ। उसको पता है कौन सा दवा खानी चाहिए, वो जंगल में छठ जाता है, वो दवा को छठ खा लेता है, खा करके फिर ताकत आ जाता है। हाँ, नहीं तो सांप को काट दे मर जाता है तुम्हें, लेकिन नेवला नहीं करता है, वो दवा खा जब दर्द फिर आएगा, फिर लड़ाई करेगा उसको साथ, अगर फिर काट देगा ना बोले फिर वो भागेगा, भागते हुए आप देखे होंगे कभी नेवला भागता है, फिर भाग करके ना फिर वो दवा खा लेता है, फिर ताकत पाकर फिर आएगा, फिर लड़ते 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 ना लास्ट में वो सांप को नाश कर देता है, सांप को मार देता है। यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते काल प्यालम, कहते जो काल, जो काल है ये प्याल है, ये एक सर्प है, ये जीव को ग्रास कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे बचना तो क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, भगवान की कथा रूपी अमृत को पान करो, यही दवा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निप्रित तस्यै रूपगीय मानात भव औषध छत्र मनोभिरामात। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कथा नहीं बोले भव औषध, मतलब संसार भी समुद्र से पार होना चाहते हो दुख कष्ट से, केवल एक ही दवा है भगवान की कथा, भगवान की कथा ही एक दवा है। ये कथा में इतने रस, कथा में इतने आनंद है, कहते निवृत तस्यै रूपगीय मानात, जो संपूर्ण संसार से मुक्त हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी चतुसर, कहते वो भी सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन एक कृष्ण कथा की श्लोक सुन लिया ना, एक श्लोक सुने तो पागल हो गए, उनने पागल हो गए, सारे ब्रह्म ज्ञान को त्याग दे दिया और भागते भागते आए और पूरी भागवत कथा रस में उन्होंने गोता लगाया है। इसलिए गोता लगाए, ऐसे भगवान की कथा रूपी अमृत, इसलिए कहते हैं तान न स्पर्श, जिसको स्पर्श नहीं कर सकता है, शोक भय और मोह उसको कभी स्पर्श नहीं कर सकता है, किसको, जो भगवान की कथा रूपी अमृत में जो गोता लगाते रहते हैं। जब उन्होंने हाँ, कल हम लोग ने इस विषय पर बहुत कथा हम लोग ने श्रवण किया था, यहाँ पर और एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हैं, राय रामानंद बोले कृष्ण रस भाविता मति क्रियता मुकुत अपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यमेकलम कोटि सुकृति अपि न लभ्यते। In this verse, Ramananda Rai is quoting this verse to Mahaprabhu. Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyate iti kuto labhi labhyate. I say one person whose mati is completely absorbed in Krishna bhakti ras. So what should you do? Kriyate bhi kuto labhyate tata lola vaki mura janma koti shukriti na labhyate. Did Krishna, to get this Krishna prem, how can we get this? This is only done by one, if one can get the association. There's only one way to get this. Even if you do millions of life of Shukriti by doing bhakti, you cannot get this bhakti ras. Only if you associate with one with who is totally absorbed, Krishna bhakti rasa bhavita mati, whose mati is completely absorbed in this Krishna bhakti ras, then one can get this. And what price? The only price for this is greed. There is no other price. Even if you give everything, give up everything, but have this greed to get this prem and to associate with this person who is completely absorbed in Krishna bhakti rasa. इसी श्लोक में साधु संघ की महिमा इसी श्लोक में बताया, साधु संघ की कितना महिमा, साधु संघ की बड़े
साधु संघ की महिमा बड़ी साधु संघ की महिमा है। कहते साधु संघ के द्वारा हम जो कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, कहते भक्ति मिलती है कैसे, बल पूर्व जन्म का सुकृति से, पूर्व पूर्व जन्म में हमने जो सुकृति किया उसकी कृपा से ही भक्ति और भक्तों का संगम मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहते अगर सचमुच से आपको ऐसे एक संत मिल जाए, कैसे संत मिल जाए जो संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में सराबरा हुआ हो। गुरुदेव उदाहरण देते जैसे रूई है, अब रूई को अगर पानी में डूबा हुआ तो क्या होगा, उसका कण कण में पानी समा जाती है। रसगुल्ला खाए शुद्ध भक्त की अगर संत हो, अगर केवल साधु संघ आकर अगर सही सही साधु मिल गए ना, बस जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा ये श्लोक में बताए। कभी ये श्लोक को सुनकर के महाप्रभु बहुत प्रसन्न बहुत खुश हो गए, हो करके महाप्रभु लिए आए है, मतलब है अभी लाइन में तुम आ गए क्योंकि तुमने साधु संघ की महिमा बताए, क्योंकि बिनु सत्संग का विवेक ना हो है। इसलिए हनुमान का नाम जानते हो, कौन कौन जानते हो हनुमान, सब जानते हो। देखो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाह रहा था, लंका में प्रवेश करना चाह रहा था, इतने में हनुमान देखा लंके की खड़ी है, बोले स्त्रियों से लड़ झगड़ के क्या लाभ है, अपना काम निकाल लेना बुद्धिमान की काम है। इसलिए हनुमान जी वो छोटे सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर में घुसना चाह रहा था, इतने में लंकनी की नजर, बोले तो कौन हो, मेरे नजर बचा करके अंदर में जाना चाहते हो, मेरे नजर बचा करके कोई नहीं जा सकते है। हनुमान जी ने देखा, सोच रहा था भैया काम निकाल लो, ये तो घुसने नहीं दे रहा। इतने में हनुमान जी विशाल रूप से धारण किया और मार एक मुक्का, एक मुक्का में उसको छक्का छुड़ा दिए है। देखो संतों की कृपा, कितना कृपा है, मारा तो मुक्का उसको मुंह से खून का उल्टी तो होने लग गई, लेकिन किसका स्पर्श मिला, केवल साधु का स्पर्श पाते ही उसका बुद्धि बदल गई। वो लक्की कह रही है साधु संघ की महिमा, कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। वो साधु संघ की महिमा कहती है कि तराजू ले लो, एक तराजू का एक तरफ में स्वर्ग का जो सुख है, मोह जन तप सत्य यहाँ तक भी मुक्ति लोक तक का जो सुख है, तराजू का एक तरफ में धर दो और दूसरे तरफ में क्या धरो, साधु संघ की एक लव। एक लव मतलब एक सेकंड अब 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकवा भाग का फल को तराजू का दूसरे तरफ में रख लो। बोले इस साधु संघ की इतने महिमाएं कि सारे सुख को मिला करके भी उसका बराबर नहीं कर सकते हो, साधु संघ की इतने महिमा। ये स्वयं लंकिनी ये बात कह रही है, इतने साधु संघ की महिमा। इसलिए यहाँ पर साधु संघ की महिमा सुनकर उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ अभी साधु संघ में आ गए। लेकिन साधु संघ में तो आ गए हो, लेकिन भक्ति के भी अलग अलग ग्रेड होता है, उसके भी अलग अलग सोपान होता है। इसलिए बोले इसका आगे और कुछ बात बताओ। जब उन्होंने बात बताई तब उसका उत्तर देते हैं, राय कहे दास प्रेम सर्वसाध्य सार। कहते भगवान को प्रभु मान करके, अपने आप को भगवान का सेवक मान करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ भक्त, इससे बड़ा भक्त जगत में कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक को उद्धृत किया है, बोले जन्नाम श्रुति मात्र न कुमान भवति निर्मल। कहते भगवान का अगर कोई नाम एक बार सुन लेना, कहते ना नमो अपवित्र पवित्र वा, उस बात में बोलो सर्वावस्था गतो विवा जस मरीत पुंडलिकाख्यम सब आया अभ्यर्थ। जब भगवान के नाम लेते ही बाहर भीतर हम पवित्र होते हैं। जब नाम श्रुति मात्र न पुमान भवति निर्मल, बोले जिनका एक बार नाम केवल कर्ण में प्रवेश करते ही व्यक्ति निर्मल हो जाते हैं। भैया उनका अगर कोई सेवक बन जाएगा, जगत में कोई बाकी रहेगा कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाते हैं। इसलिए उदाहरण गुरुदेव देते श्री हनुमान जी, तो जानते कि नहीं हनुमान जी को, तो जानते हो हनुमान जी को। इसलिए सुमिरी पवन सुत पावन नामो आप न बस करे रहे राम, भगवान को जो बसीभूत कर दिया। इसलिए एक भजन गाते है ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना,
भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मोक्ष मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए क्योंकि श्री हनुमान जी हर तरह से, अगर भगवान कहीं बैठे हुए होते ना, कभी ठाकुर जी बैठे हुए हो तो हनुमान अपना पूछ से बड़े सुंदर चंद्रता बना देते ठाकुर के सर पर में, हैं सर पर में। इसलिए अगर कहीं भगवान को कहीं जाना हो, कोई रथ की जरूरत नहीं, हनुमान जी क्या करते हैं, राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठा करके घोड़ के ले चलते हैं, कंधे पर लेकर बैठे। अगर किसको दूत रूप में भेजना है, हैं दूत रूप में किसको उन्होंने भेजा, उन्होंने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा, और हनुमान जी सारे काम को करके बढ़िया से अपना काम करके, और राम प्रभु की भगवान क्या ताकत है, पूरा सोने की लंका में आग लगा करके उन्होंने उधर से वापस आ गए, है उधर वापस आ गए। इसलिए कहते हनुमान जी भगवान की दास्य रस का भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते, गुरुदेव कथा सुनाते हैं। एक समय माता सीता जी अपना भवन में, श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रहे थे, हनुमान तो सीता जी को अपना माँ समझती हैं, अंदर में चले गए, और मैया सीता क्या कर रही थी, यहाँ पर सिंदूर और यहाँ पर मांग भर रहे थे, हनुमान ऐसे ऐसे देख रहे थे। तो क्या देख रहे हो, बोले माता जी क्या है ये, यहाँ पर सिंदूर बिंद या लाइट, बोले बेटा ये सुहाग का चिन्ह है। बोले माँ सुहाग क्या होता है, बोले माताएं पति की सुहाग के लिए, पति का दीर्घायु हो, जगत में उसका जस हो, हमारे सामने कभी पति मरे नहीं, अमर रहे, हर दुनिया में उनके मंगल हो, इसलिए माताएं ये सिंदूर बिंद और सुहाग का चिन्ह धारण करते हैं। हनुमान कुछ बोले नहीं, घर से निकल गए, और माता जी जब श्रृंगार करते हुए चली गई ना, हनुमान जी अंदर में गए और जितना सिंदूर सब को लेकर के पूरा शरीर पूरा पोत दिया, सारा शरीर पोत दिया, पोत करके राम दरबार लगा हुआ, सारे अयोध्या के लोग बैठे हुए, और हनुमान वहां पहुंच गए। ऐसे ऐसे करते सारा दुनिया बोले देखो ये बंदर ने क्या किया, ये बंदर ने किया क्या, सारा शरीर सिंदूर सिंदूर। भगवान राम को तो सब पता, बोले राम हनुमान की महिमा को दिखाना चाहते थे। राम ने पूछा हनुमान जी तो सारा शरीर में ये सिंदूर क्यों लगाया, बोले प्रभु जी मैंने माता जी को पूछा ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो, बोले ये सुहाग के लिए, अगर एक बूंद और एक लाइन सिंदूर अगर लगाने पर कहते उनकी प्रभु राम के दीर्घायु जगत में जस हो, आप तो मेरे प्रभु है ना, मैंने सोचा अगर मैं सारा शरीर में अगर इस सिंदूर का पोत दू, अरे मेरे प्रभु राम सब समय के लिए दीर्घायु जगत में उसकी जस सारा दुनिया में पड़ेगा। इसको सुन करके अयोध्या वासी और राम भगवान प्रेम में गदगद हो गए, प्रेम में गदगद हो गए हैं। इसलिए एक समय जिस समय माता सीता को उधार करके लाए, अभी मैया सीता हनुमान जी को बुला, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, मेरे को कोई भी सात समुद्र को पार करा के यहाँ नहीं ला सकता था, तेरी वजह से मैं आया हूँ, तेरे पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सब कुछ मैंने कुछ कुछ उपहार दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे कीमती चीज तेरे को दू। तो उन्होंने गले की गजमती हार को निकाल करके उन्होंने दे दिया, और हनुमान एक मोती को लेकर के दांत में काट काट कर देख रहा था, फेंक रहा था फेंक रहा था। मैया सीता को बड़ा क्रोध आया, बोले बंदर का आदर का स्वाद क्या पता है, तेरे को इतने कीमती चीज दिया तो दांत में काट कर फेंक क्यों रहे हो। बोले माता जी मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे प्रभु का कोई चिन्ह है कि नहीं, जिसमें मेरे प्रभु का कोई छवि नहीं, हनुमान उसको धारण नहीं करता है। बोले बात तो बड़े बड़े करते हो, तेरे शरीर में क्या है, फेंक दो शरीर को। बोले आप देखना चाहते हो, बोले क्या दिखाओगे। उन्हें अपना छाती को फाड़ करके दिखा दिया, सचमुच से देखा उनके हृदय में सीताराम की विश्राम है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जो भगवान की सेवक बन जाते हैं, भगवान का दास बन जाते हैं, इससे बड़ा दुनिया में जगत में कुछ है नहीं। देखो दास बन करके देखो दुनिया में हनुमान की जय जयकार हो रहा कि नहीं, घर घर में उनकी पूजा हो रही कि नहीं, घर घर में उनकी पूजा हो रही। इसलिए इसको सुनकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले बढ़िया तुमने उदाहरण दिया है, हैं तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, अगर उसको ऊपर में कुछ है ना, इसको ऊपर की बात तुम बताओ। जब ये बात बताए, उन्होंने बताए सख्य रस भगवान की जो सखा बन जाना, कहते ये सर्वसाध्य सार, ये सबसे बड़े प्रेम है
अगर कोई भगवान की सखा बन जाए तब उन्होंने उदाहरण सखा के लिए उन्होंने उदाहरण देते हैं, कहते इथम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन श्राद्धम विजहो कृत पुण्य पूजा। तब उन्होंने उदाहरण देते हैं ब्रज के जो सखा लोग हैं, भगवान के सखा भी अलग अलग तरह के सखा है, जैसे अयोध्या में भी राम का सखा है, द्वारका में भी कृष्ण का सखा है, अयोध्या में जैसे राम की सखा था अयोध्या में है, लेकिन होने पर भी सख्य रस का जो पूर्ण प्रकाश है वो अयोध्या में नहीं, वो अयोध्या में नहीं है। जैसे राम जब राम दरबार लगता है वहां पर विभीषण भी सुग्रीव भी भगवान की सखा है, हैं? वहां पर गोह का चंडाल भी सखा है। आप देखना भगवान राम जिस आसन पर भगवान राम बैठते हैं वो एक ही आसन पर वो नहीं बैठेंगे, वो जब जब भी बैठेंगे वो अलग आसन पर कहीं बैठेंगे। विभीषण अलग आसन पर बैठेगा, सुग्रीव अलग आसन पर बैठेगा, एक साथ में नहीं बैठ सकते हैं, हाँ? एक साथ में अगर कभी कहीं उल्टा पुलटा करे ना भगवान कभी शासन भी कर देते हैं। जैसे सुग्रीव बंदर भगवान बाली को मारे राज्य दिलाया, लेकिन चातुर्मास बीतने के बाद बोले करेंगे लेकिन कुछ किया ही नहीं। लक्ष्मण को भेजे, लक्ष्मण जैसे शासन किया, बोले राम का अभी भी वो बाण अभी त्रुणी में है, वो बाण अभी खत्म नहीं हुआ, जिस बाण से बाली जैसे व्यक्ति को एक बाण से समाप्त कर दिया, भगवान तुम्हारे राज्य और तुम्हारी पत्नी वापस दे दिया, और तो बंदर जाति में ना हम कहते तुम बंदर हो कामी, और तुमने अपना पत्नियों को लेकर मस्त हो गया, प्रभु की दुख अभी प्रभु बैठकर दुखी दुख पा रहे तो यहाँ पर मस्त हो गया। इसलिए अगर कभी उल्टा पुल्टा करे ना कभी कभी शासन भी कर लेते हैं, हैं? इनको शासन कर लेते हैं, और कहते उनका सखा कौन हुए, जैसे अर्जुन हुए, हैं? अर्जुन भी हुए, कृष्ण का सखा है, लेकिन वो जो द्वारका के सखा है, इसलिए पहले तो सखा सखा बोले, लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया विश्व ब्रह्मांड अर्जुन कांप उठे, बोले प्रभु मेरे अपराध माफ कर देना, पहले आपको मैंने जो सखा बोल करके एक साथ में खाए सोए, हे प्रभु दुनिया के मालिक आप, वो थर 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 कांपने लगे, क्या तुम वहां पर सख्य रस होते है, लेकिन जब उनके ऐश्वर्य को देखते है ना वो सख्य रस नीचे उतर आता है, लेकिन ब्रज में जो सखा है पूर्ण सही सखा है, सही सखा है। आपका कोई दोस्त अगर बने हो आप लोग का कई दोस्त बने जिंदगी में तो दोस्त अगर होगी, जैसे तो स्वाभाविक रूप में एक दोस्त का प्रति प्रेम है वो कहाँ पर है, कहते ये श्री वृंदावन में। अगर कृष्ण के कृष्ण सो रहे हैं, कभी सखाओं को गैया चराने के लिए जाना, कभी कृष्ण थोड़ी देर लेट हो गया अपने के लिए, सारे सखा लोग कृष्ण घर में आते हैं, मैया को बोलते हैं कन्हैया अभी कन्हैया कहाँ है, बोले अभी भी उठा नहीं सोया, बोले अभी भी सोया पड़ा हुआ, मैया कहती है उनको जगाना नहीं, अभी रात को देर में सोया, इतने में बोलने से पहले ही पलंग के ऊपर में सारा सखा चढ़ जाते हैं, बोले कन्हैया अभी तो सो रहा है, आज गैया चराने के लिए बड़े दूर तक माठ बन जाएंगे ना, अभी तो सो रहे, उसको हिला हिला के बैठा उठाते, उठ अभी भी सो रहा है। अगर किसी आसन पर कृष्ण बैठे हैं सखा लोग सारे तो अकेले बैठे हुए, उसको पास में जाकर बैठ जाए। अगर कहीं जंगल में सखा को पहले कोई फल मिल गया, बड़ा मीठा, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठा है, कन्या कहते तो अकेले खाओगे हम मोहे नहीं दोगे, कृष्ण झपट कर उसका झूठन को खाते। अगर कभी खेलते खेलते अगर कभी श्रीराम भैया हार गए, कृष्ण उसको घोड़ा बना देते, अगर कृष्ण कभी हार गए तो बोले कन्या घोड़ा पर, कृष्ण कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घर घोड़ा नहीं बनोगे, तेरे बारी आई तो हमारे कंधे पर बैठेगी, अब तुम्हारी बारी आई तो कंधे पर नहीं बैठोगे, बोले सखा कृष्ण को साथ में कोई बात मत करना, इसको अलग कर दो, जब अलग अलग चले जाओ, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं ऐसे मत क्या करो, मेरे को अलग मत दिया, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, बैठ जाकर बोले माठ मन से उनको भांधे बैठ कर घोड़े बना करके भगवान को बैठा कर ले जाते हैं। हाँ कहते ये जो सखा है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं इथम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या, वो एक ही ब्रह्म है, और एक ही ब्रह्म को बोले इथम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या, जिसको ज्ञानी लोग उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले ब्रह्म रूप में, उनको ब्रह्म रूप में उनका दर्शन करते हैं, कि दास्य गतानाम परदैवतेन, लेकिन जो दास्य रस के भक्त हैं उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले परम देवता भगवान रूप में दर्शन करते हैं। कहते माया श्रितानाम
जो माया के जो मोहित हुए व्यक्ति उनको किस रूप में कहते, उनको साधारण इंसान रूप में दर्शन करते हैं। बोले साधम विजय रूप तो पुण्य पूजा कहते, सखा लोक ने इसे कौन सा पुण्य किया है, पूर्व जन्म में इसे कौन सा भाग्य किया है, हा? जिस ब्रह्म को ब्रह्मा शंभू अमरपति गणेशार्चित जिन चरण को ब्रह्मा शंकर अमरपति इंद्र चंद्र जिसकी चरण को पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के चरण को गोद में लेकर बैठती हैं, ये सखाओं ने ऐसे पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया है, इन लोगों ने वो परम ब्रह्म को अपना सखा रूप में प्राप्त किया है। इसलिए ब्रह्मा भी यही बात कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपस्नाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम अहो, ये दो बार यहाँ अहो, अहो मतलब क्या, जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम कहते हैं क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पे कहते हैं भैया देखो ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा पुण्य किया है, ऐसे कौन सा पुण्य किया पूर्व जन्म में जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन है, किसकी सखा बन गए, किसका बेटे बन गए, किसकी प्रियतम बन गए, इन्होंने ऐसे क्या पुण्य किया है। जब उन्होंने ये बात को बोले ना, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, और महाप्रभु यहीं से उन्होंने उत्तम बताया, मतलब ब्रज में जितने भी दास्य रस सब में है, सख्य रस है, लेकिन होने पर भी विशेष करके ब्रज में तीन रस की विशेष प्रसिद्ध है, एक वहां पर है सख्य रस है, भगवान को सब दोस्त मानते, कोई भगवान ही नहीं मानते, और एक वात्सल्य रस है, भगवान को अपना बेटा मानते हैं, गोपियां अपना प्रियतम मानती, जो तीन रस ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है। जब उन्होंने ये बात को बताया ना, भले तुमने जो बात बताई वो उत्तम, बहुत सर्वश्रेष्ठ तुमने उत्तम बात बताया है। टाइम हो गया ना, हाँ ठीक है, एक हरिनाम एक कथा सुन लेते, एक माला कर लेते। हाँ देखो अभी तो आप लोगों ने बहुत रस पिया हो, केवल ज्यादा अगर ज्यादा अगर रस पी लोगे ना तो पेट खराब हो जाता है, लेकिन कभी नीम का नीम थोड़ा नीम भी लेनी चाहिए, फिर क्या होता है वो रस ठीक सही हो जाता है, अगर ज्यादा मीठा मीठा हो जाएगा फिर गड़बड़ी है ना। हाँ देखो जो कलयुग में विशेष करके भगवान का नाम ही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति की और कोई उपाय नहीं कलयुग में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुमेरी नर उत्तर ही द्वारा। कलयुग में भगवान का नाम को आश्रय ग्रहण करने पर आप लोग तो भारतीय लोग है, आप देखना भले ही जीवन में जो कुछ कर करो, लेकिन जब शरीर छूटता है अंतिम में यही बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल देते हैं सब कई बार छूटा, ये बोलते ना हमारे कहते बेटा जितने प्रभु का नाम लिए हो, राम का नाम कृष्ण का नाम, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं और सब जो कुछ किया है यही पर छोड़ कर जा रहे हैं। पत्नी रो रो कर दरवाजे तक चलेगी उसका आगे नहीं चलेगी, परिवार वाले शमशान तक चलेंगे उसका आगे नहीं चलेगी, उसका आगे क्या चलेगी, बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जब करेंगे यही साथ में ही जाएगी और कोई चीज अपने साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए धनी बनना तो किस चीज में धनी बनो, भगवान के नाम रूपी धन में धनी बनो। इसलिए विरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आप आज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, बोले कौन कौन, बोले तुलसी मीरा और नरसिका। बोले अगर धनी बनना चाहते हो किस चीज की धनी धन में बनो, भगवान के नाम और भी धन को लूटो है, इसी धन में धनी बनो फिर तो माला माल हो जाओगे। इसलिए देखो दुनिया में हनुमान का नाम, शंकर जी का नाम, देवी का नाम, गणेश जी का नाम, तुलसीदास मीरा, इनका नाम जगत में क्यों हो रहा है, हमारे भैया की भैया की भैया कोई पूछते हैं ना, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का दुनिया कोई नाम लेता है, क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इन लोगों ने केवल दुनिया के पैसा को कमाते कमाते चले गए, लेकिन इनका नाम क्यों ले रहे हैं, इन लोग ने भगवान के नाम रूपी धन में धनी बने, इसलिए जगत में उनकी पूजा हो रही है। इसलिए कहती है तुलसी मीरा और नरसिका इन लोग ने बड़े बड़े धनी बन गए। इसलिए धनी बनना तो भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठे करो, और यही धन ही अंतिम समय में हमारे पूरा के पूरा यही धन हमारी काम में आएगी, हाँ काम में आएगी, इसलिए धनी बनो। इसलिए भागवत में एक श्लोक बोले, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण, हाँ ध्यान देकर सुनो,
कहते भगवान का जो नाम को चिंतामणि बताया, क्या बताया? चिंतामणि मतलब क्या होता है? चिंतामणि मतलब होता है जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए संतों ने एक सुंदर उदाहरण दिया, पहले भी बताया और एक बार सुना देता हूँ, अब ध्यान देकर सुनो। एक उदाहरण देकर समझाया, अब रास्ता में जा रहे हो, आपके पास में एक खाली थैली है, झोली है, अब रास्ता पर जा रहे हो, लेकिन आप लोगों ने देखा रास्ता में 50-50 रुपया के डॉलर गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, रास्ता रोड में पड़ा हुआ 50-50 डॉलर की गड्डी की गड्डी, आपके पास में एक थाली, आप बताओ क्या करोगे? आप बोलो क्या करोगे? उसका कोई मालिक नहीं है, किसकी वैसे पड़ा हुआ, हम उसको फिर थाली में भरेंगे, चोरी तो कर ही नहीं रहे कि उसका कोई मालिक नहीं। लेकिन जब और थोड़ी दूर जाएंगे ना, फिर देना 100-100 रुपया डॉलर की गड्डी की गड्डी बढ़ा हुआ, फिर क्या करेंगे? बोलो आप लोग सोचो क्या करोगे? फिर जब थाली भरेंगे आप फिर कैसे डालोगे, फिर क्या करोगे? उसको खाली करोगे। जो 100-100 रुपया की जब डॉलर है तो 50 रुपया की क्या जरूरत है, फिर 50 रुपया खाली करके 100 रुपया को भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गई ना, देखा हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे? 100 रुपया को खाली करोगे। क्यों? जब हीरे जवाहरात थोड़ी से ले लो, माला ही माल हो जाओगे, फिर उसको फेंक करके उसका घर में ये भरोगे। लेकिन और जब थोड़ी दूर गई ना, उसको बाद में उससे भी एक कीमती चीज मिला है, हैं? उससे भी एक कीमती चीज मिला, उसका नाम क्या है बोलो? पारस टच स्टोन, हाँ, जो टच स्टोन कहते, जो पारस में, आप सुने होंगे, जो लोहे को भी स्पर्श कराने पर वो सोना बन जाती है। थोड़ी दूर गए तो आपको पारस पत्थर मिल गया, फिर क्या करोगे? सब फेंक करोगे, बोले पारस पत्थर लेकर लोहे और जितना भी करनी लाओ और टच कराओ, सोना ही बनते जाएगा। लेकिन जो और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिला है, हाँ, उसको नाम कहते सीमंत गमन। ये भागवत में कथा आती है, ये दसवां स्कंध में, कहते ये 17 जिनका बेटी सत्यभामा, इनकी मित्रता थी सूर्य देवता के साथ, उनका सूर्य देवता के साथ में मित्रता थी, इसलिए प्रसन्न होकर के वो सीमंत गमन उन्होंने 17 जी को किया था। और उसका ये है, इसका फल है रोज एक अष्टभार सुवर्ण, अपने आप जिससे चटार के सोना अपने आप निकलता है, कितने किलो वजन अपने आप निकलता है। इसलिए भागवत में कथा आती है, उसको बड़ा लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि जहां गया ना वो उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने सोना चटान की चटान अगर निकालेगा तो फिर क्या होगा, है? इसलिए जिसको नाम सीमंत गमणी कहते हैं, फिर अगर सीमंत गमणी मिल जाए, भाई भैया पारस पत्थर की जरूरत नहीं, लोहे लाओ टच कराओ घर तो सोना मिलेगा ना, तो इससे तो अपने आप सोना निकलेगा, फिर सीमंत गमणी लेगी। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, इससे भी कीमती चीज है, इससे भी कीमती चीज क्या है, जिसका नाम कहते चिंतामणि। ये भागवत उसका संदेश देता है, कहते ये चिंतामणि क्या है, बोले जैसे सीमंत गमणि, अगर आपको आज बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा, हम आपको नहीं देगा, आपको बढ़िया बढ़िया पहनने का इच्छा, वो नहीं देगा, बढ़िया घर में रहने का इच्छा, वो नहीं देगा आपको, वो आपको नहीं देगा, आपको केवल सोना ही देगा, कुछ नहीं देगा वो। लेकिन कहते उससे भी एक कीमती चीज, जिसका नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब होता है जो चिंता करो, जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगो उससे वही मिलेगा। क्यों तो चिंतामणि किया, तो भागवत कहता है बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शोध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। इस श्लोक में बताया हरि से बड़ा हरि का नाम है, और भगवान का जो नाम है ना चिंतामणि है, जो मांगोगे तुमको वही मिलेगा, वही मिलेगा। अभी प्रश्न है भैया, हम तो नाम कर रहे हैं, जब करते करते माला तो काली में काला हो गया, लेकिन अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ। लेकिन इसमें बताया जैसे करने पर करनी चाहिए, अगर हम ठीक वैसे करें ना आपको सब कुछ मिलेगा। पहले मैंने बताया था ना, शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, क्या करते दिन भर, कुछ नहीं करते शंकर जी दिन भर, कहते महामंत्र जयी जपत महेशा, शंकर केवल प्रभु का नाम जप करते हैं। लेकिन हम जो शंकर जी को मंदिर में जाते हैं, बम बम चौकट दबाते हैं, भोले बाबा हमें ये दे दो ये दे दो, भैया कहीं उनको फैक्ट्री लगाया तो आपको दे रहे फैक्ट्री लगा हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल केवल नाम के प्रभाव से दुनिया को सब दे रहे और कुछ नहीं।
हनुमान जी जो मांगो रिद्धि सिद्धि की अपनी प्राप्ति नहीं करते देते हैं तो नहीं केवल सुमिरी पवन सुत पावन नाम केवल प्रभु का नाम के प्रभाव से दे रहे हैं। माता जी के पास में जाओ क्या उनको भी प्राप्ति देते हैं। आठ हाथ में देखना एक हाथ में माला है भगवान की माला जब कहते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि देते हैं कहां से। गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गण राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। केवल नाम की प्रभाव से सारा दुनिया है ना प्रभु के नाम के बल पर सब कुछ मिलता है। केवल प्रभु के नाम की बल पर अब कुछ नहीं है लेकिन जब हम शुद्ध नाम करेंगे। लेकिन इसलिए तीन तरह का नाम बताया एक अपराध युक्त नाम है और एक नामाभास है और एक नाम शुद्ध नाम है शुद्ध नाम। लेकिन जब हम नाम शुद्ध नाम करेंगे नामा अपराध मतलब क्या नाम भी करते हैं अपराध भी करते हैं। अपराध दस तरह का अपराध बताया गया है कहते दस तरह का अपराध को त्याग देना पड़ेगा। उसको बाद में बोले नामाभास। नामाभास मतलब क्या जब हृदय में अनर्थ हो है हृदय में अनर्थ हो असतृष्णा हृदय द्रव्य ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब सही सही नाम करेंगे कहते नाम से जो मांगोगे जैसे शंकर जी जैसे माता देवी है गणेश जी हनुमान जी जैसे शुद्ध नाम कर रहे हैं वो शुद्ध नाम करने का बदले सब कुछ दुनिया को दे रहे हैं। जब हम भगवान के शुद्ध नाम को उच्चारण करेंगे शास्त्र जैसे बताया फिर नाम से जो कुछ आप मांगोगे नाम आपको सारी इच्छा को पूरी कर देंगे। इसलिए नाम को चिंतामणि बताया चिंतामणि बताया। इसलिए गुरुदेव जब माला दिए माला नहीं चिंतामणि हमें दिए क्या दिया है ये माला को ठीक ठीक से जप करो ठीक है ना। ये माला को ठीक ठीक से माला को जप करनी चाहिए। जब गुरुदेव माला नहीं दिए भगवान कृष्ण हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए क्या करने चाहिए नाम को महाप्रभु कहते नियमित करके नाम को फिक्स नंबर रखो इतने माला आसानी से जितना बन जाता है। महाप्रभु तो कहते एक लाख हरि नाम करो। चैतन्य महाप्रभु कहते एक लाख कितना नाम करने चाहिए एक लाख बोले चौसठी माला करने के लिए हाँ कहते हैं कहते जो चौसठी माला करता है जो कुछ मुझे देता है ना उसका हाथ वो खाना खाते हैं। अगर कभी कभी कंसेशन करते हैं अगर चौसठी माला नहीं कर सकते हो भैया कम से कम सोलह माला तो करो चार सोलह माला में एक लाख होता है। अगर एक दिन में अगर तू लखपति महाप्रभु बोले ना जो लखपति होगा उसका हाथ में खाना खाएंगे। लखपति मतलब जो एक लाख हरि नाम करेगा। भैया अगर एक दिन में एक लखपति नहीं बन सकते हो चार दिन में तो लखपति बनो कम से कम चार दिन में तो लखपति माला तो चार दिन में तो कम से कम एक दिन में सोलह माला से नीचे मत करो। स्वामी महाराज कहते हैं छब्बीस घंटा हमारे पास में आठ घंटा सो वो आठ घंटा काम करो वो कहते आठ घंटा भजन करो कहते आठ घंटा प्रभु का नाम जप करो कहते हैं क्योंकि भगवान के नाम जप से इतने सब कुछ मिलेगा। अगर आठ घंटा नहीं कर सकते हो हर भगवान के लिए कम से कम दो घंटा दो कम से कम जिसने तुम्हें सब कुछ दिया जिंदगी दिया। देखो अरे तो छोटी स्टोरी सुनो ध्यान दे गई बोले क्यों भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले एक समय एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था। बोले क्यों बोले मैं सोने में भी हार देता हूं ना वो सोना भी मिट्टी बन जाती है सोने भी मिट्टी। भगवान हमें कुछ ही नहीं दिया प्राण रख कर कोई लाभ नहीं आता मैं सुइसाइड करने जा रहा हूं। जब सुइसाइड करने जा रहा था इतने में भगवान ही एक संत बन कर के आ गए। बोले बेटा कहां जा रहे हो बोले सुइसाइड करने के लिए। बोले क्यों बोले भगवान मेरे कुछ ही नहीं दिया। बोले कुछ ही नहीं दिया बोले क्या दिया सोने में भी हार लगा था वो भी मिट्टी हो जाता है। बोले भगवान तेरे कुछ ही नहीं दिया। बोले दिया क्या बोले बेटा ये काम करोगे। बोले क्या है बोले तेरे को मैं दस लाख डॉलर देता हूं तुम्हें एक आंख निकाल कर दे दो। बोले आंख कैसे निकाल कर दे दू मैं देखूंगा कैसे। बोले तुमने बताया ना भगवान तेरे कुछ नहीं दिया तो दस लाख डॉलर में भी तुम्हें एक आंख देने के लिए तैयार नहीं। भगवान कितने कितने सोच करके तुम्हें ये जीवन दिया। भगवान तेरे को एक आंख दे सकते थे लेकिन दो आंखें दी। बोले क्यों अगर किसी कारण से एक आंख नष्ट हो गया दूसरे आंख से दे सकते हो। कितने भगवान सोच कर देती तो दस लाख डॉलर देता हूं हाथ काट कर दे दोगे। बोले हाथ कैसे काट दू मेरे काम कैसे करूंगा। बोले भगवान ने कितने चिंता करके दिया एक हाथ नहीं दिया भगवान तुमको दो हाथ दिए। बोले क्यों किसी कारण से एक हाथ खराब हो गया दो हाथ काम कर सकते हो। बोले दस लाख डॉलर से टांग काट कर दे सकते हो। बोले चलूंगा कैसे चलूंगा कैसे। बोले भगवान तुम्हें एक टांग नहीं दो टांग दिए दस दस लाख का हिसाब बनाओ कितना हो रहा है हिसाब कर कितना हो रहा है। बोले एक किडनी दे दोगे दस लाख रुपया दस लाख डॉलर में। बोले भाई जिंदा कैसे रहूंगा। बोले भगवान कितने किडनी तेरे को दिए
बोले दो दो दिए हैं, एक दे सकते दो दो तुम तो दिए हैं, हिसाब लगाओ कितना हो रहा है। बोले काम काट कर दे दोगे, 5 लाख डॉलर में दे दोगे। बोले कैसे दे दो, सुनूंगा कैसे। बोले अभी हिसाब लगाओ तो, एक अंगुल काट कर दे दोगे। बोले कैसे, अगर हिसाब लगाओगे ना अरब खरब रुपया की भगवान संपत्ति तुमको दी, अब तू कह रहे हो भगवान कुछ दिए ही नहीं। देखो सूरदास का पद है, सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु देही ताही विसर आई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल खलकामी। हिंदी समझ रहे ना सबके सब। दुनिया में अगर कोई आपको 100 रुपया कोई अगर विपत्ति का समय में दिया ना, आप देखना जिंदगी भर हम उसको याद करते, याद करते कि नहीं, जिंदगी भर याद करते हैं। लेकिन जिसने ये इंसान का जीवन दिया, हॉस्पिटल में कोई भर्ती हुए कभी, जब उसको ऑक्सीजन देते हैं ना हॉस्पिटल ऑक्सीजन, उसका पैसा देते हैं जो फ्री का जो ऑक्सीजन दिया है, और नाक को पास में रख दिया तो अगर नाक को पास में रख दिया ऑक्सीजन, जैसे बिजली लग चल रात को बिजली चलता है उसका पेमेंट देते कि देते हैं, लेकिन दिन में जो इतना लाइट जो दे दिया, हवा जो दिया है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो। हाँ, इसलिए सूरदास जी कहते जिनी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी, कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसे दुष्ट कौन हो सकता है। देखो और एक अबुरा मत मानो, हम जीवन में जो कुछ करते हैं ना दूसरे के सुख के लिए है कि नहीं, पत्नी को सुख दो, पति को सुख दो, बच्चे को सुख दो, सबको खुश। अभी तक सेवा करते करते कोई खुश हुआ थोड़ा बता दो, आप हमें बता दो, सबका सेवा कर रहे हो लेकिन सभी का गाली भी सुन रहे हो, सभी का डंडा भी मार रहे हो, पड़ रहा कि नहीं, कर रहे हो सभी के लिए, सभी का गाली तुमको सुनना पड़ रहा है। अगर जिंदगी में इतना रहो थोड़ी सी तो अगर भूल चुप हो जाएगा ना, झट आना है तू मेरे लिए क्या किया, एकदम जगत में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन सुदामा ने भगवान को 2 मिनट चिड़वा दिया, भगवान त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान के अंगुल के दिया, द्रौपदी थोड़ी बैंडेज दे दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को सुजोग मिले, इसका ऋणी कब, मैं कब ऋणी भर, कब इसका ऋणी चुकाऊं, भरी सभा में भगवान ऋणी चुकाए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तन देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे जैसे दुष्ट कौन हो सकता है। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, लास्ट में वही जाएगा और कुछ जानने वाले नहीं, इसलिए क्या करनी चाहिए। संतों का कहना 100 काम छोड़ कर भजन करो, 1000 काम छोड़ कर काम करो, और करोड़ों काम छोड़ कर भजन करो। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करो, पहले सबसे पहले भगवान की माला जप करो, करोड़ों काम अगर हो उसको पीछे रख दो, होता रहेगा। तुम नहीं करोगे तो ये मत समझो चलेगा नहीं। पहले भी बताया था ना, जब कुत्ता बैलगाड़ी को नीचे, जब बैलगाड़ी चलती है ना उसके नीचे एक कुत्ता चलता है, वो कुत्ता क्या सोचता है, मेरी वजह से ही बैलगाड़ी चल रहा है सोचता है, नीचे नीचे चलता सोचता है, इसलिए मेरी वजह से, अगर मैं रुक जाऊंगा ना मेरी बैलगाड़ी रुक जाएगी। हमारी ये भूल धारणा है, हम नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, मर जाओ देखो बढ़िया से चलेगा, इसलिए देखो ये संतों का वाणी है। इसलिए सारे काम छोड़ करके सवेरे बैठ करके जो चीज जाएगी हमारे साथ में, जिससे जीवन में शांति सुख मिल सकता है, सबसे पहले भजन, उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, ठीक है। अभी आज एक माला करेंगे, 5 मिनट लगेगा, हम माला सब निकाल लो। मैं माला लाया हूँ लेकिन मैं माला गाड़ी में, जो मेरे जो प्यार के तो ना जो छोटे छोटे खोलोगे तो उसका जो ताला भी आ गया उसके अंदर में। हाँ सबके सब, हाँ किसको उसमें माला नहीं है, माला किसको किसको पास में नहीं है, तो माला ला रही है, ओके एक माला दे देंगे, आप माला जप करना हमारे साथ, ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। देखो ये माला किसी जप कर लो, देख लो जो तो भक्त लोग को जानते हो, लेकिन जिनको पास माला नहीं, देख किधर देख लो, जैसे ये माला जप करते है ना, हाँ ये भैया बैठ गया, इसलिए जब ये माला हम लोग देख लो, जब माला जब करते हैं ये अंगुलों को हम टच नहीं कराते हैं, क्योंकि ये गद्दा अंगुल ये सबसे पहले निकलता, तेरे को हम देख लेंगे, हम बोलते हैं ना तेरे को हम देख लेंगे, क्या तुम मेरे को समझते हो, इसलिए ये अंगुलों को हम बाहर निकालते हैं, और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ये माला को रखते हैं, रख करके फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मोती सरकाते, फिर 2 बार बोल करके 2 मोती सरकाते, 3 बार बोल कर 3 मोती सरकाते,
और जब यहाँ खत्म हो जाता है, जब यहाँ जब खत्म होता है ये अंगुलों को हम पार नहीं करते हैं, हाँ? क्योंकि जो ये जो बीच है देख लो, ये राधा कृष्ण का रूप है और ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। आठ मोती के पास में एक धागा है, मतलब ये भगवान की ललिता विशाखा चंपक लता चित्रा सुचित्रा भगवान की आठ गोपियां हैं। मानो भगवान को बीच में रख करके ये गोपियां रास कर रहे हैं। ये रास, ये माला नहीं है, ये स्वयं श्री ठाकुर जी बीच में ठाकुर जी है, देखो। इसलिए यहाँ तक आने पर उसको पार नहीं करते, उसको घुमा देते हैं। हाँ है पीछे कर, जिनके पास में नहीं दे दो फिर माला फिर वापस दे देना सबके साथ। हरे कृष्णा, हाँ सबके साथ मेरे साथ में जोर जोर से बोलना, क्योंकि माला तक एक जप करेंगे लेकिन हम जितने भक्त बैठे हैं ना, जब हम जोर जोर से करेंगे सभी का आवाज सबको कान में जाएगा। इसलिए मानो 30-40 भक्त बैठे हुए माला तो एक करेंगे लेकिन 40 माला करने का फल मिलेगा, क्यों? सभी के आवाज सभी को कान में जाएगा। ठीक है, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री राधा श्री भगवत प्रिय, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
डारा में वहाँ पर प्रोग्राम है शाम को 6 बजे से।
तो नेक्स्ट सैटरडे को शाम को 6 बजे से सेंटर में प्रोग्राम है, आप सब जरूर आइएगा। नेक्स्ट सैटरडे को एकादशी है, बड़ा शुभ दिन है, तो उस दिन एकादशी फीस रहेगा, तो आप सब जरूर आइए। और जैसे अभी महाराष्ट्र ने आप सबसे नीम का माला था वो दिया था महाराष्ट्र ने, और नाम लेने को अगर किसी को इच्छा हो कि वो रेगुलरली माला करना चाहते हैं, महाराष्ट्र ने इतना एम्फोसाइज किया है नाम की महिमा पर, तो आप वो नीम की माला महाराष्ट्र के पास है, आप उनसे ले सकते हैं और नीम की माला करने का शुरू कर सकते हैं। और जिनके पास माला है वो तो ठीक ही है, बट जिनके पास ना हो अगर माला नाम करना चाहते हैं तो नीम की माला महाराष्ट्र से ले सकते हैं। आज ये नीम माला करने के लिए कोई नियम नहीं है, आप इस माला को आप जप कर सकते हो, उसमें कोई नियम नहीं, लेकिन अगर धीरे 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 जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन अगर इसको छोड़ देंगे, फिर आप लोग बाद में तुलसी माला लेकर के फिर सही सही लेकर के फिर आप भजन कर सकते हो, लेकिन नीम माला के लिए कोई नियम नहीं। आप लेकर के धीरे धीरे जितना भगवान के नाम जप करेंगे उतना शांति उतना सुख मिलेगी और गंदी चीज उतना जल्दी जाएगी, लेकिन आप नीम माला लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिनिश नहीं करो, फिनिश करो।